नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। चार दिन या पांच दिन पहले मैंने एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो बनाया था। मेरा चैनल कैप्टन सुपन मिश्रा में आपका स्वागत है और वो वीडियो को आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बहुत लोगों ने देखा, भाई को बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों ने लाइक किया। डिसलाइक पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है, अच्छा नहीं होता तो डिसलाइक भी कीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को मेरा गलती का पता चलेगा। रिमार्क दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरे को अगली वीडियो जैसे कि अच्छे से बना सकूँ, गलती को सुधार सकूँ, ये मेरा पर्पस है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आई विल मेक मीन्स G20 का ऊपर एक वीडियो बना हुआ है। वट इज़ सो सिग्निफिकेंट G20, स्पेशली दिस G20। तो नॉर्मल हर साल होता है, एवरी ईयर रोटेशन वाइज तक G20 का कंट्री सब पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन होता है, रेजोल्यूशन होता है, क्या रेजोल्यूशन पिछले साल लिए थे और क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है और अगले साल के लिए क्या प्लान है, ये सब होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल चीज़ है। हमारा प्यारा बिल्ली मेरे पास आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, अच्छा ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। लेकिन ये दिस पर्टिकुलर वाई दिस इंडियन दिस G20 जो हमने किया वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने साल भर G20 को साल भर कश्मीर में, बेंगलोर में, वेरियस सेगमेंट में हमने किया है और कंक्लूडिंग जो दिल्ली में किया है। तो लेकिन ये सब लोग करते हैं, नाच गाना होता है, गीत होता है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर, हमारा जो ये है, ये सब दिखाया जाता है, ये स्टैंडर्ड है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें नई चीज़ क्या है एक्चुअली, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट, व्हाई इट वाज ए सुपर सक्सेस, मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो हमने प्रिपेयर किया है, उसको सारे कंट्रीज यूनानिमसली एग्री होकर साइन किए, ये चीज़ है। जनरली लास्ट टाइम इंडोनेशिया में किए थे रशिया यूक्रेन को वार, या इसलिए जॉइंट डिक्लेरेशन जो सब लोग एग्री है ऐसे करके वो लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, इसलिए कोई साइन नहीं किया था। तो इसमें हमारा जो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है दैट द वे वी हैव ड्राफ्टेड दिस थिंग एंड एवरीबॉडी एग्रीड एक्चुअली। और दूसरी बात है कि हमने अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया, अराउंड आई टेल यू अफ्रीकन यूनियन अराउंड 54 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज उसको हमने शामिल किया, मतलब उनका जो रिप्रेजेंटेटिव जो हुए तो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग 54 अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, हमारा जो दिल्ली डिक्लेरेशन वो 33 पेज का हुआ, देर आर 83 पैराग्राफ्स, सबने ध्यान से पढ़ा, उसके बाद उन्होंने साइन किया, एग्री हुआ एंड अप्रिशिएट किया। सबसे जो बड़ा चीज़ उन्होंने अप्रिशिएट किया यह है, एक चीज़ है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार एंड ऑल्सो इट हैज मेंशन दैट गिविंग थ्रेट एन न्यूक्लियर अटैक एंड ऑल इज नॉट डिजरेबल, मीन्स थोड़ा रशिया को भी पोक के और थोड़ा वर्ल्ड में। तो बेसिकली हमारा जो फोकस था डिक्लेरेशन में और जो ये थीम था G20 का, वो था पीस, पीपल, प्लानट एंड प्रॉस्पेरिटी, एक चीज़। इसका मतलब वर्ल्ड सारा दुनिया, जैसे कि इंडिया मैसेज दिए कि सारा दुनिया एक वन फैमिली अगर हो जाएंगे तो सब लोग मिलजुल के ऊपर जा सकते हैं। और अफ्रीकन यूनियन देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर अभी भी यू सी दिस थिंग्स, दे आर रियली इन ए वेरी सैड स्टेट, एजुकेशन नहीं है और दे आर फेसिंग लॉट ऑफ कैलामिटीज, हेल्थ केयर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, पावर, सब इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ नहीं है एक्चुअली। तो एनर्जी के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा किया एक्चुअली, सोलर एनर्जी के अंदर वहाँ तो ग्रोइंग वेरी फास्ट, एनर्जी सफिशेंट सफिशियंसी के लिए कोल डिपेंडेंसी खत्म करेंगे और अल्टरनेटिव एनर्जी लेकिन सोलर टाइडल ये सब हम डेवलप करेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि हम बोला कि इंडिया विल हेल्प ऑल द स्मॉल नेशंस एंड टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस 36 to 38 कंट्रीज आर कमिंग एंड टेकिंग डिफेंस एजुकेशन आर एस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये एक स्वीपिंग चेंज है
दूसरी बात है कि अभी जो जैसे कि हमारा आर्म्स एक्सपोर्ट है, एक दिन था हम लोग आर्म्स इंपोर्ट करते थे, अब लेकिन अभी हमने खुद आत्मनिर्भर योजना में सबको टाटा को इन्वॉल्व किए, सब लोग इन्वॉल्व करके और अपने एजेल वेजल जो डीआरडीओ काफ़ी मेहनत करके हमने भी वे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आर प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स टू कंट्रीज लाइक मोजाम्बिक, सऊदी एंड सिसिल्स एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज दे टेकिंग आर वेपन्स, वियतनाम दो वियतनाम इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। दूसरी बात है कि हम हर कंट्री का एक प्रेरोगेटिव होता है, उन्होंने कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ को आज ऑब्जर्वर बुलाते हैं, देखो कैसा कंडक्ट होता है, क्या होता है, तो इस टाइम पर मॉरीशस ये कुछ आए थे ऑब्जर्वर। दूसरी बात है कि इस ये में ओवर एक मेजर ये अचीवमेंट हुआ क्या, अमेरिका और सऊदी अरेबिया इनका बीच में बहुत काफ़ी फ्रिक्शन चल रहा था। आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के एक डिप्लोमेट ने एक या कोई कंट्री का डिप्लोमेट उसको सऊदी अरेबिया के एम्बेसी में उसको मार के उसका बॉडी को पार्सल कर दिया, मतलब सरप्राइज, मतलब किसी को पता नहीं कैसे उसको किडनैप किए, क्या किए कर गए, बिकॉज ही वॉज यू नो राइटिंग आर्टिकल्स, जर्नलिस्ट राइटिंग आर्टिकल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देर ग्राउंड पीस एंड ऑल, उसको एक बार इसलिए उस बात पे थोड़ा सा फ्रिक्शन चल रहा था अमेरिका और साउथ अफ्रीका बीच में, लेकिन उसको ये भारत ने सुलझाया और दोनों सऊदी अरेबिया एंड प्रेसिडेंट जो बाइडन उन्होंने हाथ मिला के उसको चलो जो हो गया भूल जाए आगे बढ़े, ये एक अचीवमेंट रहा है। बिकॉज इंडिया को सब मानते हैं, एक्चुअली वर्ल्ड का लीडर सब लोग मानते हैं कि इंडिया कैन टेक द इनिशिएटिव एंड लीड द वर्ल्ड इन फ्यूचर, अपना जो इकोनॉमी जिस तरह डेवलप कर रहा है और ये कर रहा है, हम चंद्रयान फटाफट इमीडिएटली सूर्य की तरफ निकल गए, तो वही है दिस थिंग्स एंड नासा का साथ अपना टाई ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी सेंडिंग सम ऑफ पीपल टू स्पेस डॉक्टर कल्पना चावला और विंग कमांडर भूल गया मैंने नाम का जो गए थे स्पेस में, उसके बाद कोई गया नहीं, तो ये सब चीज़ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा एमओयू साइन हुआ है, वो है न्यू स्पाइस रूट, मतलब इंडिया से निकल के सेंट्रल एशिया होके यूरोप होके अमेरिका को टच करेगा, ये बेसिकली चाइना को चेकमेंट देगा, चाइना का जो एक बेल्ट रोड सी एन बेल्ट रोड जो कर रहा था उसमें तो वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ये कर वो तो बंद हो गया, सी पैक वगैरह से बंद हो गया, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, और लेकिन हमने खुद जाए उसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, तो ये एक एमओयू साइन हो गया विद फ्रांस, इटली, जो हम आए टर्की, ये सब हम एमओयू साइन कर लिए। और दूसरी बात है या जर्मनी यूएई यू सब मिलकर साइन किए ये जो न्यू स्पाइस रूट के लिए। और जो एक चीज़ है, सबसे हर समिट में एक जो मेन डिस्कशन होता है क्लाइमेट चेंज, हाँ, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑल वर्ल्ड, एक्चुअली सबको दिमाग खराब है कैसे करेंगे, तो इसके लिए डिसाइड किया गया ये G20 मीटिंग में एक फंड क्रिएट किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो बड़े बड़े नेशन है कुछ कुछ डोनेशन देंगे, और उसके बाद उसी फंड से हम लोग जो जो नेशन में ये करके एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह कैसे ये करके उनको डेवलप करेंगे, तो इसलिए ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो आए थे उन्होंने इमीडिएटली $200 million का घोषणा कर दी फंड के लिए, ये तो वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन हुए टेकन। और अफ्रीकन यूनियन को इसमें सबमिट होना चाहिए, होता अफ्रीकन यूनियन क्या होता है, अफ्रीकन कंट्रीज पुअर होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है बट उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए ना, मतलब कोई माइंस को ये करेंगे उसको डेवलप में पैसा चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो जैसे कि मरक्को है उसके पास फॉस्फेट्स का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में वर्ल्ड का फॉस्फेट्स उसका अंदर है, नाइजीरिया है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस भरा हुआ है लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सप्लोरेशन होता है, बाकी नहीं हो पाता है क्योंकि पैसा नहीं है, गरीब है। कॉन्गो है, कोबल्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोबल्ट कॉन्गो में है, ऐसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो कुछ कुछ तो उनके पास है लेकिन
पैसा नहीं है उसको डेवलप करने के लिए, जब तक वो डेवलप नहीं होगा तो उनका पब्लिक का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो ब्राज़ील में होगा, इंडिया हेडेड ओवर द बैटन ब्राज़ील, तो उसमें G20 नहीं और G21 होगा एंड देखेंगे क्या। लेकिन अभी ये जो मीटिंग है अपना प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, उनका एक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। ये एमर्ज आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट वर्ल्ड लीडर, जिस तरह वो ब्यूटीफुल हैंडल किया। हालांकि हम थोड़ा ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर दिया, अराउंड 4,100 crores खर्चा किए, लेकिन फिर भी फ्रॉम द डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू विलेज पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल ही वाज ए ग्रैंड सक्सेस। बस ये कह के मैं आज की मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर से बोलता हूँ वो जो लाल घंटी को दबा दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहे मैक्सिमम, ताकि मेरा व्यूअरशिप बढ़ता रहे। और अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब प्रेजेंटेशन में कुछ कमी है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। चलिए।